आई थिंक सारे कहानियाँ उतनी ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए टाइटल ही 10 कहानी है. वरना मेरी स्टोरी होता तो इट वुड बी हाई ऑन द हाई, वुड बी द टाइटल, राइट? सो आई थिंक ईच वन ऑफ देम हैव इक्वल इम्पोर्टेंस एंड बैलेंस. ओके, आपने फिल्म देखी है? इन टोटैलिटी नहीं देखी है, अपनी फिल्म जो देखी है. किस तरह की बन पड़ी, जिस तरह से आपने एक्ट करा है, जिस तरह से एक्सपेक्ट करी है, उससे कितनी अलग है, कितने सिमिलर? जो मैंने पढ़ा था वो ऑलमोस्ट लीनियर में था, जैसे लीनियर में लिखा गया था. आई लव द एडिट ऑफ द फिल्म, विच इज एंड आई लाइक द वे हंसल जी हैज शॉट द फिल्म आल्सो वेरी मच. फिल्म में आपके किरदार के बारे में बताइए, किस तरह का कैरेक्टर है फिल्म में? मैं एक आई थिंक मैं और जिमी दोनों फिल्म स्कूल स्टूडेंट्स हैं, और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में हर चीज़ पे हाय रहें, वो जो भी चीज़ हो. सो इन्जॉय लाइफ, आगे देखो, यू नो, विजन्स, ब्यूटी, ड्रीम्स, उसी दुनिया में रहना है. और हकीकत है ही नहीं ज़िंदगी में, कोई हकीकत नहीं है इन दोनों के लिए. इट्स अ थ्रिलर बेस्ड ऑन दीज टू कैरेक्टर्स, इट्स अ लव स्टोरी थ्रिलर बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स. कैरेक्टर हैं जो आपको जिंदा दिल कैरेक्टर हैं, तो आप इसमें जिंदा दिल हैं? नहीं हूँ इसीलिए तो. कितना एंजॉय किया आपने फॉर दैट मोमेंट? फैबुलस. आई थिंक मेरे लिए इट वॉज फन बिकॉज इट वॉज समथिंग दैट It is good. It's not something that I actually do in my reality. So it's good fun for me to see ki kya kya karna chahiye. Aur actress hone ka ye ek bahut bada fayda hai, I think. To aap kinse inspire hui for that show? Main kitne jano ka naam lu? Bataiye, phir bhi jisse aap sabse zyada. No, I think it's become a very for some strange reason it's a bad habit, it's a bad thing, but it's become very central for cities. It's an underground city thing, which आजकल बहुत होता है. तो I think ये उसी के लिए एक कहावत है कि अब जो भी करो लाइफ में उसका कुछ ना कुछ तो repercussions होता ही है. अच्छा करो अच्छा हो, बुरा करो बुरा हो, जो कर्मा कहते हैं. जिमी भी हैं साथ में आपके, तो कितना enjoy किया उनके साथ काम करने का, कितना मजा आया, उसके बारे में बताएं. जिमी इज़ अ thorough professional और I think बहुत ही introverted है as an insan, as a person. So I think that because of that it kind of complements each other, kyunki main bahut bolti hu, to it was good, koi sunne wala bhi hona chahiye. 4-5 din mein puri film khatam ho gayi hogi aapki wali, to bataiye 4-5 dino mein aapne kya sikha? Kya sikha ji? Maine sikha ki bina neend ke bahut 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 high hote ho aap life mein. I think you become delirious. Mujhe mere exams ke yaad aaye जहाँ हम लोग रात भर पढ़ाई करते थे, क्योंकि पहले तो पढ़ाई कभी किया नहीं मैंने, सिर्फ लास्ट मिनट करते थे, तो उसकी बहुत याद आई मुझे. आई थिंक सीखने को मैं कहूँगी तो मो कि हंसल जी इज़ अ वेरी आई मीन फैबुलस डायरेक्टर, आई वुड से ही इज़ वन ऑफ लॉट्स ऑफ नेशनल अवार्ड्स. तो आई थिंक ही वाज प्रॉब्ली माय मोस्ट इंस्पिरेशन ओवर देयर. एक चीज़ नज़ाकत, ज़बान में नज़ाकत. ठीक है, आपके कैरेक्टर के बारे में फिर से आएंगे तो थोड़ा सा उसके बारे में रिवील करिए, किस तरह से कैरेक्टर है फिल्म में. जी सॉरी, कैरेक्टर की बात करें तो फिल्म में किस तरह से ट्यून कर रहा है उसके बारे में बताइए, मोल्ड कर रहा है कैरेक्टर आपका फिल्म में. आई थिंक मैंने मोर ऑर लेस वही तो कहा है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो ऐसे कैरेक्टर्स हैं, आई थिंक आई गिविंग यू मोर देन आई शुड बी गिविंग यू. ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स हैं, दे बोथ वेरी फन, फुल ऑफ लाइफ, मस्ती भरा. रात के 4 बजे हो, 5 बजे हो, हाईवे और उनका बहुत एक क्लोज संबंध है, मैं कह मेरा मानना है, क्योंकि हाईवे के जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, जहाँ अचानक एक बड़ी लॉरी आ गई, आपको पता नहीं चला, आप ध्यान नहीं दे रहे हो या कुछ, तो जो अनएक्सपेक्टेडनेस होते हैं, दैट इज़ व्हाट आई वुड से यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फिल्म. जब आपको फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट नरेट की गई कि विद इन 10 डेज या 10 मिनट्स की पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी, सो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? शॉर्ट फिल्म्स तो इट्स अ ग्रेट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, टू पुट सो मेनी टुगेदर एंड एक साथ दिखाना इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट, इट्स रियली समथिंग न्यू, बिकॉज ये बहुत ही मेरे ख्याल से कि 10 शॉर्ट स्टोरी हैं जो बिल्कुल अलग अलग हैं, सिर्फ एक बात कॉमन है कि आप इनमें इन्वॉल्व हो जाओगे, आपके इमोशंस को छू जाएंगे. What made me sign this film? Yeah. Lots of things. One, script. B, Hansal ji was like, I need you for my film, that's it. So, and it's a great production house, I think. Well, I would hope aisi filmein chale, because mere khayal se aisi filmein to experiments hoti hain sabse pehle. Aur
मिस्टर संजय गुप्ता जिन्होंने बैक किया है, जिनकी विजन है ये, आई थिंक इट्स अ फैबुलस थिंग एंड आई थिंक समबडी लाइक दैट आई एम हियर टू सपोर्ट हिम थ्रू एंड थ्रू. 25 कैरेक्टर्स हैं, तो आप अपने कैरेक्टर को लोग कितना रिकॉग्नाइज करेंगे जब थिएटर से निकलेंगे? जैसे मैंने पहले कहा, हर एक कहानी की अपनी अपनी खासियत है, तो अगर मेरी कहानी पसंद आई तो लोग याद रखेंगे, सीधी बात है. इसके बाद आई थिंक अलीबाग रिलीज होगी. सही, इसके बाद अलीबाग आएगी. अलीबाग संजय जी, ये भी संजय गुप्ता की है, तो कुछ ट्यूनिंग बना लिया क्या? जी नहीं, आई हैव अ 2 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट विद देम व्हिच इज अलीबाग और 10 कहानियां का. तो थोड़ा सा अलीबाग के बारे में बताइए, वो किस तरीके की फिल्म होगी? धीरे धीरे सब एक साथ जानना चाहोगे? थोड़ा सा तो बताइए, अलीबाग को कहते हैं लोग, अलीबाग से आया क्या, तो दैट काइंड ऑफ कुछ. हां, मैंने एक्चुअली जब पहली फिल्म साइन की थी तो पहली बार मैंने सुना था कि लोग कहते हैं अलीबाग से आया, मुझे इसका मतलब ही नहीं मालूम था बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम बॉम्बे. पर जी नहीं, आप देखने के बाद ये नहीं कहोगे कि अलीबाग से आए हैं.